सीतामढ़ी में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें पुपरी डीएसपी की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में डीएसपी संजय कुमार पांडे बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन में पुपरी डीएसपी संजय कुमार पांडे अपनी सरकारी गाड़ी से गार्ड के साथ पुपरी से सीतामढ़ी लौट रहे थे, तभी मौलानगर के पास उनकी गाड़ी पलट गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। हादसा बहुत भयानक था लेकिन डीएसपी साहब और उनके गार्ड्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और फिर आगे की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डीएसपी संजय कुमार पांडे को उनके शांत स्वभाव और बेहतर कामों के लिए जाना जाता है और वो अपने इलाके में लोकप्रिय भी हैं। न्यूज़ डेस्क।